आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गत सप्ताह उत्तर भारत के प्लांटों में लोकल और देशावार मांग देसी घी और दूध पाउडर में निकलने से 5 से 10 रुपए प्रति किलो की तेजी आ गई है। लिक्विड दूध से पड़ते अभी काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं, इसे देखते हुए इसमें अभी और तेज़ी के आसार दिखाई दे रहे हैं। देसी घी और दूध पाउडर में पीक सीजन में ही तेज़ी बन गई है। इससे कुछ कारोबारियों में डर तो ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इस बार दूसरा समीकरण दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि 2 महीने देर से इस बार सीजन शुरू हुआ है, उसके बाद कोविड-19 महामारी से 2 महीने बाजार डिस्टर्ब रहे, यही कारण है कि देसी घी का उत्पादन लगातार घटता नजर आया है। दूसरी ओर दक्षिण भारत की छोटी बड़ी कंपनियों में देसी घी और दूध पाउडर का स्टॉक नहीं है तथा फेडरेशनों के पास भी इस बार ज़्यादा माल नहीं है। केवल गुजरात को ऑपरेटिव पड़ते में माल बेच रही थी, यही कारण है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्लांटों में देसी घी और दूध पाउडर का स्टॉक नहीं है तथा लिक्विड दूध के भाव 44 से 46 रुपए प्रति लीटर चलने से किसी भी कंपनियों में पड़ता नहीं लग रहा है। यही कारण है कि अधिकतर कंपनियां नाम मात्र का ही उत्पादन कर रही हैं। पिछले दिनों केसीन के ऊंचे भाव होने से अधिकतर केसीन निर्यात कंपनियों ने ऊंचे भाव में लिक्विड दूध खरीद कर केसीन का निर्यात किया। यही कारण है कि देसी घी और दूध पाउडर के स्टॉक नहीं होने से गत सप्ताह देसी घी में 75 रुपये प्रति टीन एव और दूध पाउडर में 10 रुपए किलो की तेजी आ गई है। इस समय प्रीमियम क्वालिटी का देसी घी 6100 रुपए से 6350 रुपए प्रति टीन तथा दूध पाउडर 275 से 285 रुपए बिक रहे हैं। नीचे वाले माल 210 से 220 रुपए बिक रहे हैं। माल्टोडेक्सट्रीन वेपा पाउडर वाले माल काफ़ी सस्ते बिक रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर धरपकड़ भी चल रही है, जिससे थोड़ा मंडियों में आवक मिलावट मालों की कमी हो गई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए दोनों उत्पादकों में अभी 10 से 15 रुपए इसी लाइन पर और तेजी लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।